मुरादाबाद पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद की सिविल लाइन पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 26,500 नगद एवं तमंचा, एक चाकू आदि सामान किया बरामद। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब सिविल लाइन पुलिस ने गश्त के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने खुलासा करते हुए बताया कि दानिश और जाकिर दोनों शातिर किस्म के बदमाश हैं। दोनों को पुलिस ने गश्त के दौरान गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इन दोनों शातिर बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने दो बार मुरादाबाद जनपद और एक बार अन्य जनपद में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। देखिए, क्षेत्र में जो चोरी की घटनाएं निरंतर जो हो रही थी उसको लेके हमारी पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई है और उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता सिविल लाइन थाना पुलिस को प्राप्त हुई है, जिन्होंने रात्रि में अपनी गश्त चेकिंग के दौरान दो लोगों को पकड़ा और उनसे जब पूछताछ हुई तो उन लोगों ने कुछ घटनाओं का इकबाल किया है, जिसमें एक घटना हमारे रामगढ़ विहार में जो स्वयंवर शादी वेंकट हॉल है वहाँ पर एक महिला के पर्स से कुछ ज्वेलरी गायब की गई थी। इसके अलावा एक घटना कटघर क्षेत्र की थी जहां पर इन्होंने एक दुकान में से ताला तोड़ के कुछ बैटरी वगैरह बरामद की थी। साथ ही पूछताछ में ये भी पता लगा कि एक घटना इन्होंने अमरोहा जनपद में भी की है। जब वहां से अमरोहा से हम लोगों ने जानकारी की तो उसका एक फुटेज भी था उनके पास और उस फुटेज से भी इन लोगों का मिलान हुआ है। तो इस प्रकार ये जो चोरी करने वाले जो ग्रुप है, ये जो निरंतर चोरियां कर रहा था, उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। और इनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि विशेष रूप से जो शादी समारोह होते हैं उनमें लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और वहां से जेवर और रुपए वगैरह वहां से गायब कर देते हैं। इसके अलावा अन्य चोरी घटनाएँ भी लोग करते रहे हैं इससे पूर्व में भी। इसमें जो दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक जाकिर पुत्र शकील है, ये चक्कर की मिलक सिविल लाइन्स का रहने वाला है, और दूसरा दानिश पुत्र सफीन, ये जयंतीपुर मझोला का है। इन लोगों का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें जाकिर पर पूर्व में आर्म्स एक्ट के और चोरी के मुकदमे हैं और इसी प्रकार दानिश पर भी 376 के मुकदमे दिया गया है और भी चोरी घटनाओं में भी ये लोग शामिल रहे हैं। इनके कब्जे से जो चोरियाँ की गई थी उसमें से इन्होंने काफ़ी माल अपना यहाँ वहाँ खपा दिया, खर्च कर दिया है, जिसमें से लगभग 26,700 रुपये नकद और एक चांदी की पायल जो इन्होंने शायद ज़्यादा कीमती नहीं थी इसलिए उसको नहीं इन्होंने बेचा था वो बरामद हुई है। तमंचा, एक चाकू और एक चोरी का बैटरा, ये सामान बरामद हुआ है। अभी हम लोग इनसे और भी गहराई से पूछताछ कर रहे हैं, जो भी और घटनाएं इन्होंने की होंगी उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। इनके ग्रुप में और कौन कौन लोग शामिल रहे हैं उसकी भी जानकारी की जाएगी। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण सफलता है जो पुलिस को मिली। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।